कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। तो सुना आपने, ये नेता पीएम मोदी को जमीन में गाड़ना चाहते हैं, ये नेता पीएम मोदी को हिटलर बताते हैं। साहब का नाम प्रोफेसर नजरुल इस्लाम है, नेता साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और मोदी को जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। नजरुल इस्लाम यूं तो एक मान्यता प्राप्त कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साहब सिबू सोरेन जनजातीय डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन साहब के बोल हमेशा बिगड़े ही नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस वक्त चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं की जुबान फिसलने और भाषण के दौरान आपा खोने की घटनाएं अब सामने आने लगी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव की रैली में तो पीएम मोदी को 400 फीट जमीन के नीचे गाड़ देने की बात कहती गई। मामला साहिबगंज का है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जता दी है। दरअसल झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने अपने एक्स हैंडल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रोफेसर नजरुल इस्लाम के भाषण का एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें प्रोफेसर नजरुल इस्लाम एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे हैं कि 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर मोदी को गाड़ दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए, और उसने उसने नारा दिया है। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। प्रोफेसर नजरुल इस्लाम के बयान के बाद उनके वीडियो को कई बीजेपी नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। वहीं झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने इस मामले पर अपने ट्वीट हैंडल पर लिखा कि मानसिक रूप से विकलांग झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की खुली धमकी दे रहा है। उन्होंने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की साजिश बताया। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कई बार पीएम मोदी के मरने की कामना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की और उन्हें 400 फीट जमीन में गाड़ने की बात करते हैं और धमकाते हैं। ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी और नफरत की जुबान और भाईजान है? ये कोई एकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। ऐसे 100 से अधिक बार इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को मारने की बात, उनके मरने की कामना, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, गंगू तेरी नीच भस्मसूर, चाय बेच, उनके परिवार को लेकर गाली, उनके जाति को लेकर गाली। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और इंडी अलायंस के प्रत्याशी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात की। तो सिर्फ सहजाद पूनावाला ही नहीं, बीजेपी के कई नेता इस वक्त कांग्रेस पर इस मामले को लेकर हमलावर है। वहीं वायरल हो रहे वीडियो क्लिप पर अब नजरुल इस्लाम की सफाई आ चुकी है। वायरल हो रहे वीडियो क्लिप को लेकर अपनी सफाई देते हुए नजरुल इस्लाम ने कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ नहीं कहा, शालीनता सीमा को वो समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को दफनाने की बात उन्होंने नहीं की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार सीटें मिलने के दावे पर उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए थे। और जो मेरे द्वारा संबोधन के क्रम में 400 फीट गाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरो के रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है। तो सुना आपने, पहले नेता साहब पीएम मोदी को गाड़ने की बात कहते हैं, फिर बताते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन नेता साहब ये नहीं जानते कि ये आधुनिकता का दौर है, जिसमें नेता साहब की ये वीडियो घर घर तक पहुंच जाती है, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, मौसम चुनाव का है और इस चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान से आग निकलती ही है। लेकिन कभी कभी ये नेता अपनी जुबान से निकली आग से खुद का दामन भी जला लेते हैं, जो इन्हें काफी महंगा साबित होता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।